हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर का खाना ऑफिशियल। तो आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक शाही सब्जी, और उसके लिए हम पानी उबालकर उसमें काजू और प्याज को डाल देते हैं और इसको उबलने के लिए रख देते हैं। साथ ही मैंने ये मसाले काट लिए हैं। तो मैंने लिया है 2 प्याज बिल्कुल बारीक काट के, 2 हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक काट के, अदरक और लहसुन बारीक काट के, टमाटर काट के, और ये सब्जी बनेगी काजू और मखाने की। तो सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे और उसमें काजू और मखाना को फ्राई कर लेंगे। मैं घी नहीं खाती, इसलिए मैंने तेल लिया है, लेकिन अगर ये सब्जी आप घी में बनाएंगे तो कमाल का स्वाद आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप में से जो भी ये सब्जी ट्राई करे वो घी में बनाए या बटर में बनाए, बहुत टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, और ये देखिए बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गया है, और इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। अब हम तेल में डालेंगे जीरा, उसके साथ में हम डालेंगे तेज पत्ता, और जैसे ही चटक जाए हम डाल देंगे हरी मिर्ची, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारा प्याज भी भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिक्स कर देंगे अपना बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसको हम भून लेंगे। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे और इसको गलाने की कोशिश करेंगे, और इसको गलाने के लिए हम इसमें मिक्स कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिक्स कर रहे हैं हल्दी, साथ में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। जी हाँ, इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे क्योंकि इस रेसिपी को हमें बहुत तीखा नहीं बनाना है। देखिए, नमक डाल दिया था तो टमाटर बिल्कुल गल गया है। अब बस हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है, और जैसे ही हमारे मसालों से तेल छूट गया, अब इसमें हम मिक्स कर रहे हैं प्याज और काजू का पेस्ट। तो प्याज और काजू को बॉईल करके जब पेस्ट बनाया है तो बिल्कुल सफेद पेस्ट बन के आया है। कोई कह ही नहीं सकता कि वो प्याज का पेस्ट है, देख के लग रहा है जैसे सिर्फ काजू का पेस्ट हो। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और देखिए अब इसमें से मसाला जो है पैन को छोड़ना शुरू हो गया है, और जैसे इससे तेल बाहर आना शुरू होगा हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं इसमें मिला देती हूँ कसूरी मेथी। ये देखिए बिल्कुल मसाला पैन को छोड़ चुका है, और अब मैं इसमें पानी मिला दे रही हूँ जो
मिक्सी का जार था उसी में मैंने पानी ले लिया है और उसको मिक्स कर दिया है। और देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी बनी है हमारी। तो अभी इसमें थोड़ा पानी और मिलाएंगे क्योंकि ग्रेवी को थोड़ा पकाना भी ज़रूरी है, तभी जाके टेस्ट आएगा। और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी बनी है इसकी, और इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती है। और अब हम इसमें डाल देते हैं बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके ऊपर से हम डालेंगे तला हुआ काजू और मखाने। ये बिल्कुल अगर आपको सर्व करना हो उसी टाइम डालें, अगर सर्व उस टाइम नहीं करना हो तो आप थोड़ी देर वेट करें। और तैयार है काजू और मखाने की करी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग घर का खाना ऑफिशियल।